हेलो फ्रेंड्स, जय माँ भगवान जयदास। आज आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रात को आप सब लोग के लिए पूजा भी की गई है, कल ब्लेसिंग नहीं दी गई। ब्लेसिंग की जगह मैंने कल लूना चमारी की शक्ति की ब्लेसिंग बताई है कि लूना चमारी पूजा करवाने से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक कहते हैं एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। फिलहाल तो ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाई हूँ, मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि अब मैं जो नई जगह रहने आई हूँ और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे यूट्यूबर रहने आई है। तो यहाँ पे गोराई वन में जो भीमनगर की 2 नंबर की गली निकलती है निरंकारी भवन के पास, वहाँ पे ऐसा वाक्या हुआ है कि मेरे को लगता था कि शायद पुलिस को इतनी बार बोलने के बाद पुलिस अलर्ट होगी, लेकिन हमारे बोरीवली की पुलिस शायद कभी सुधरेगी नहीं, वो कभी राउंड अप पे घूमेगी ही नहीं, है ना। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जैसे कहते हैं ना, कोई नया घर शिफ्ट करता है, नए घर में डेली आना जाना, सामान आना। अब सीधी बात है, नया घर है, नई जगह पे नई चीज़ें होती रहती है, सब लोग अपना सामान सेट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग चोर लोग ध्यान देते हैं। और आजू बाजू में भी मैंने देखा है कि आजू बाजू में भी जो बंगले हैं वो लोग अपने मस्ती में रहते, तो उनका चलो उनसे हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन कल यहाँ पे ये भूल गए कि मैं रात भर 2-2, 3-3 बजे तक पूजे पे बैठती हूँ। और कल जो घर मैंने लिया है वो अच्छा है, जहाँ पे मतलब पूरी तरफ से चारों तरफ से ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कल दिन दहाड़े मतलब मेरे को ये था कि अभी तक नशे में लोगों ने, थोड़ा लड़के लोगों ने रात को घूमना छोड़ दिया, लेकिन मैं ये भूल गई कि यहाँ से ये सब गलियाँ निकलती, मुझे भी पता नहीं था। कल दिन दहाड़े चार लड़के बाकायदा बाहर घूम रहे थे, कुत्ते अचानक से भौंकना चालू किए। मेरी आदत है रात को 2-2.5 बजे ताला फेंकने की, लेकिन कल मेरी ऐसी इच्छा हुई कि आज ताला नहीं फेंकना है, तो मेरी आदत है मेरा 2-2 बजे तक दरवाज़ा खुला रहता है। शायद कल के दिन ही ऐसा था कि मैंने दरवाज़ा बंद रखा था, और कल के दिन ही यहाँ पे ऐसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, तो 3-4 लड़के खड़े थे, तो मुझे थोड़ी शंका हुई क्योंकि मैं जब मैं वॉशरूम गई तो खिड़की के बाहर से कोई लोग ध्यान रख रहे थे। और हमारा बंगला कैसे बीच में कोने में पड़ता है रोड पर, तो मैंने जब खिड़की खोल के देखा, मेरी आदत है मैं दरवाज़ा कभी नहीं खोलती, मैंने खिड़की खोल के देखा तो एक दो तीन लड़के मतलब समझो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। आज की तारीख में मैं आपको इसलिए अलर्ट कर रही हूँ कि ये गोराई में जितने भी रहने वाले भी अलर्ट, कि कितना भी कोई कुछ खोले दरवाज़ा नहीं खोलना है। और ये करते हैं आपस के लोग ही भेजते हैं कि यहाँ पे है, जाओ चोरी चकारी करो, ये करो, डर नहीं, जो कि कैमरा लगा हुआ है। शायद लोग ये भी भूल गए कि हमारे घर के सामने कचरा फेंका जाता है, और वहाँ पे बीएमसी वालों ने ऊपर रोड पे कैमरे लगा के रखे, कैमरे की वजह से बाकायदा पूरे लोग कैचअप हो जाते हैं। तो और वहाँ मुश्किल से मतलब कहते हैं ना 20 से 22 साल के लड़के 4, और मुझे जहाँ तक पता है कि वो इसी जगह के एरिया के होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर यहाँ के एरिया के लड़के होते हैं, यहाँ पर झोपड़पट्टी के ही लड़के हैं। तो और सबसे बड़ी बात, वो लड़के फुल नशे में थे, उनकी हालत देख के पता चल रहा था कि उन्होंने फुल गांजा ड्रग्स का नशा लिया हुआ था, और शायद उनके पास कुछ हथियार भी होंगे क्योंकि वो डर भी नहीं रहते। उन्होंने कुत्ते की मुंडी को, मतलब उनको लगा कि कुत्ता भौंक रहा था तो कुत्ते को चुप कराने के लिए उसके चेहरे पे मुँह पे लात रखा हुआ था, और जैसे ही मैंने खिड़की खोला वैसे ही उन्होंने हिम्मत करके एक लड़के को इशारा किया और मेरे घर की बेल बजवाई, और मुझे बोले, उनको दिखा नहीं कि एक औरत खड़ी है, उनको लगा कोई अंकल रह रहा है अंदर, बोलते कि जरा इसके लिए दवा दे दो ना, मेडिसिन चाहिए, तबीयत खराब है। नहीं, कौन है, मेरी बेल क्यों बजा रहा है, पुलिस को कंप्लेंट करूं क्या। तभी देखा तो कम से कम 3 नहीं 4 से 5 लड़के थे, एक लड़का इस साइड भीमनगर की गली के साइड भाग गया था, और 4 लड़के सामने की गली के साइड धीरे धीरे गए। जब मेरी बेटी आई ऊपर से, वो बेल मतलब जारू मोबाइल निकाल के, मैंने बोला मोबाइल निकाल के पहले फ़ोटो निकालो, जब रिकॉर्डिंग निकालने गई तो वो लड़कों लोग फटाफट सामने, 4 रास्ता है ना, तो सामने की तरफ गए, अपना बाइक लिए, और थोड़ा सा खिड़की बंद हुआ तो इन लोगों ने फिर इस साइड गोराई के साइड निकल के भागने लगे। तो मैं पुलिस की लापरवाही यही कहूँगी कि अगर ये लोग गली गली में राउंड अप करे, जो कि अंदर निरंकारी भवन के पास पुलिस का अच्छा खासा जो कुछ तो है, जहाँ पे लड़कियाँ सीखती कि क्या करती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राउंड अप पे नहीं है, यहाँ पे आए दिन झगड़ा झंझट चोरी चकारी होती रहती है। मैंने ये भी देखा कि हमारे सामने के 1-2 बंगलों वाले की लाइट चालू थी, लेकिन किसी ने आवाज़ निकाला नहीं, और मुझे उस बात का डर नहीं है, मैं तो बिंदास थी, लेकिन इतना पक्का था कि मेरे घर में घुसने की कोशिश की गई। मैं आपको दिखा ली हूँ, बाकायदा मेरा पेड़ गिराया गया कोने का, लेकिन घुस नहीं पाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो
ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ गिरा दिया गया है। यहाँ पे देखिए पैरों के निशान हैं, देख रहे हैं उंगलियों के निशान हैं। यहाँ से चढ़ने की कोशिश की गई लेकिन चढ़ नहीं सकते हैं। देखिए अंदर आने की कोशिश की है क्योंकि एक पतला सा लड़का था जिसने कोशिश की थी अंदर आने की। और ये देखिए यहाँ का जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कोई पॉसिबल ही नहीं कि कोई अंदर आ सके। और मेरे को ये वीडियो इसलिए बनानी है कि बी अलर्ट सबके लिए। देख रहे हैं यहाँ कचड़े की गाड़ी है, आप देख रहे हैं वहाँ से बाकायदा चढ़ने की कोशिश की गई है, गोनी रखे गए हैं। और कल ही हमारे यहाँ पे लाइट का काम हुआ है, अब ये बीएमसी वाले की भी हरकत हो सकती है क्योंकि कल यहाँ पे दो दिन रात को लाइट का काम हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना चोरों के साथ सरकार भी मिली हुई रहती है, इससे किसी को कुछ कह नहीं सकते। देख रहे हो यहाँ कचड़े का गाड़ी है, चार रास्ता है और यहीं से बाकायदा चोरी की कोशिश की गई है। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो यहाँ से भी चढ़ने की कोशिश की गई है, यहाँ पे भी पैरों के निशान हैं। ये ऐसी हरकतें हो रही है यहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लाख पूजा करूँ कुछ भी करूँ, मैं यहाँ कितना भी नशेड़ियों को हटाने की कोशिश करूँ, लेकिन हमारी सरकार हमारी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपको कंप्लेंट करना चाहिए, रात को 2-3 बजे 3:30 बजे कंप्लेंट करें। हम कंप्लेंट करने से स्वरक्षा खुद ही करना चाहते हैं, लेकिन हमको कंप्लेंट करने से पहले अगर आपकी गाड़ी गली गली में घूमे तो हमारा तो चलो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग भूल गए कि यूट्यूबर रहती है। और यूट्यूबर जब एक वीडियो डालेगी तो क्या होगा, मतलब ये ज़्यादा दूर के नहीं है, ये 101% यहीं के लड़के थे जो उधर वो ब्रिज पे बैठ के कहते ना चरस गांजा लेते रहते, और वहीं के लड़के यहाँ आए थे। लेकिन वहाँ पर मैं नहीं बोल रही गली में, लेकिन वहाँ पर भी एक गाड़ी कभी खड़ी नहीं रहती, क्योंकि मैं कभी कभी 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे आती हूँ यात्रा से, एक भी गाड़ी खड़ी नहीं रहती। और अभी भी बकायदा जिस तरह का कल हाल देखा है, वो लड़के फुल नशे में थे और नशे के साथ साथ उन्होंने 100% हथियार हत्या लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ नए लोग रहने आए हैं और ये नहीं जानते हैं कि यूट्यूबर रहने आए हैं, और उन्हें ये खबर नहीं थी कि ये हमारा यूट्यूब पर वीडियो डाल देगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ वीडियो नहीं डाल रही हूँ मैं, पूजा चालू है अभी, मैं पूरा ध्यान रखूँगी और जो भी ऐसा दिखेगा आस पास में अब उनकी वीडियो निकाली जाएगी बकायदा फ़ोटो के साथ। जो भी घर के आस पास घूमेंगे रात को उनकी फ़ोटो निकाली जाएगी और फ़ोटो निकाल के बकायदा यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी। देखती हूँ अब, क्योंकि कहते हैं ना सरकार और कानून को प्रूफ चाहिए, अब मैं इन लोगों को प्रूफ दूंगी, क्योंकि ये जो हरकतें हुई हैं ये अलग है। मतलब कहते हैं ना जिस तरह से अभी समझो हमने चलो दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन हमारे से पहले यहाँ बुज़ुर्ग रहते थे, अगर किसी ने ऐसे दरवाज़ा खोल दिया कुछ कर दिया, मतलब इसका मतलब सीधा था कि मेरी गैलरी के अंदर पहले से कोई घुस चुका था और वो लोग वेट कर रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही ये दरवाज़ा खोलेंगे बाहर आके चिल्लाने के लिए वैसे ही इन पर वो करेंगे। और इतना भूल गए कि मैं विद्या देवी हूँ, ये सब बातों से डरती हूँ। अगर एक बार घुसे होते ना एक भी बंदा यहाँ से ज़िंदा वापस जाता नहीं था, इतना मारती थी ना पकड़ के मैं कि ज़िंदगी भर याद रखते थे। और मैं सबको यही कहूँगी, पेरेंट्स को भी, अभी गणपति तक माहौल ख़राब रहेगा, अभी जन्माष्टमी आ रही गणपति देगा, आप अपने घर की बेटियों को और बेटों को बच्चों को 12 बजे से पहले ही घर बुलाए, 12 बजे के बाद घर के बाहर घूमने ना दें, क्योंकि अब यहाँ पे नाटक चालू हो गया। क्योंकि अब हमारे गोरा और बोरीवली में तो बिल्कुल भी कोई एक्शन लेगा नहीं, यहाँ पे ये कहा जाएगा कि भाई क्या कर सकते हो, इसलिए चोरों को बाकायदा निमंत्रण दिया जाता है और बाकायदा नशेड़ी लोग रहते हैं। तो फिलहाल तो मेरा कहना यही रहेगा, मानना कि आप लोग बी अलर्ट, कहीं भी होकर दरवाज़ा ना खोलें। सबसे पहले अगर आपको लगता है कोई भी अनजान आदमी दिख रहा है उसकी फ़ोटो निकालें, उसकी फ़ोटो निकाल के फ़ोटो और उसका वीडियो निकाल लें, उसके बाद उससे बात करें कि कल आपके साथ कुछ हुआ तो इनको प्रूफ दो। क्योंकि कैसा है मालूम, एक बार मैंने आपको बताया था मेरे घर पे एक बार सोने की चोरी हुई थी, इसी तरह से लोग घूमे थे तो उधर पुलिस को जब बुलाया था तो मैंने पुलिस वालों ने हमें क्या एक्सक्यूज़ दिया था कि आप ऐसे ताला मार के जाएंगे तो खाली घर दिखेगा तो पुलिस तो घुसेगी, ये एक्सक्यूज़ था। इसके लिए मैंने कल तो दिन दहाड़े रहते हुए कोशिश की गई है, तो यही कहूँगी और सबसे एक ही बात की विनती करूँगी कि अपने घर के बच्चों को भी कहो, क्योंकि यहाँ जिस तरह से लोग घूम रहे हैं आए दिन गाड़ी की चोरी, साइकिल की चोरी, ये लोग तो कहते हैं नल की चोरी, जो भी मिल जाए नशा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बी अलर्ट। और बाकी जो लोगों ने हरकत की है उनकी तो जो मैं बजाऊँगी अभी, वो बहुत बड़ा करूँगी, मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।